जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाटअप ई कॉमर्स। आज का जो लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 6 ईबे फ्री कोर्स का, हाउ टू क्रिएट अ बायर अकाउंट। बायर अकाउंट कैसे बनाते हैं, बायर अकाउंट बनाने का तरीका कार क्या है। देखें, अब हम ईबे की बात करें, जब आप यहाँ पे बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कम अज कम पहले आपने 7 से 10 दिन मैनुअल सर्चिंग करनी है, कुकीज जनरेट करना है। ईबे को ये रियलाइज कराना है कि यहाँ पे आप काम करने के लिए आए हैं, कोई स्कैमर नहीं है। अगर आप कुकीज जनरेट नहीं करेंगे, आपने 2-3 दिन कुकीज जनरेट की वो भी आपने सही तरीके से नहीं की, देन क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे बेस्ट ये है कम अज कम आप 7 से 10 दिन ईबे को ये रियलाइज कराएं कि आपने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज करना है, देन आपने बायर अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैनुअल सर्चिंग से मुराद ये है आपने यहाँ पे किसी भी कैटेगरीज के अंदर चले जाना है, डिफरेंट प्रोडक्ट आपने न्यू टैब पे ओपन कर लेने हैं, उन्हें आपने चेक करना है। सिंपल सी बात है, आपने कोई इस पे ये नहीं कि आप हंटिंग करने बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल आप इस तरह मैनुअल सर्चिंग करनी है, आपने नीचे तक जाना है, इसका डिलीवरी टाइम देखना है और ये सारी चीजें आपने देखनी है। कम अज कम ड्यूरिंग मैनुअल सर्चिंग आपने एक प्रोडक्ट पे कम अज कम 30 से 40 सेकेंड लगाने हैं, उसे एंड तक देखना है। देखें, जब आप मैनुअल सर्चिंग कर रहे होंगे, ईबे आपको देख रहा होगा कि ये मैनुअल सर्चिंग किस तरह कर रहा है, इसका तरीका कार क्या है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, डिफरेंट टैब खोलते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे, तो ये मैनुअल सर्चिंग कभी भी कंसीडर नहीं की जाती। आपने एंड तक क्या करना है, जाना है और देखना है और इसे अंडरस्टैंड करना है। ये देखें, यहाँ तक आपने कंप्लीट देखना है ताकि ईबे को ये पता चले ये पर्सन, ये बायर जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आया है, ये सही तरीके से मेरी वेबसाइट को चेक कर रहा है, देख रहा है इन तक। ये देखें, ये होता तरीका कार। अगर आप लाइक एज आप 15-20 प्रोडक्ट ऊपर न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं और ऊपर ओपन करने के बाद लाइक एज आप ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ से देखने के बाद आप क्रॉस कर देते हैं, जो ईबे का एल्गोरिथम है ना, वो आपको देख रहा होता है कि ये मैनुअल सर्चिंग किस तरह कर रहा है। देन जब वो देख रहा होता है ना, तो आपके लिए सस्पेंशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने इस सस्पेंशन से बचने के लिए आपने मैनुअल सर्चिंग जो करनी है सही तरीके से करनी है। अब हम देखते हैं कि बायर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। देखें, जब आपके पास अकाउंट होता है तो आपके पास दो चीजें होती है, साइन इन जब करते हैं तो आपके पास क्या होता है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि साइन इन जब आप करेंगे तो आपके पास ईमेल और लॉगिन ऑलरेडी गिवन होगा, आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बायर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अब हम उसका फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद आपने ईमेल डालनी है यहाँ पे जो आपको ईमेल गिवन होगी, उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, कोई भी पासवर्ड जो स्ट्रांग पासवर्ड हो आपके हिसाब से आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है, देन आपने क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। देखें, जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक पर्सनल अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट। इस टाइम हम पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लें, वो इसका ये मैंने आपको मेथड बता दिया है। अब हम करते हैं क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, आगे वो आपसे क्या मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा, जिस कंट्री में आप, जिस कंट्री की डिटेल पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने उसका नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। Like as हम देख लेते हैं जिस कंट्री पे हम काम कर रहे हैं, जी आप देखें, हमने यहाँ पे फोन नंबर आप डालना है, जो भी आपका फोन नंबर होगा आपने यहाँ पे वो राइट कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, जैसे कंटिन्यू करेंगे आपका जो नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ पे ओटीपी लगा देना है। चेक इट हम अभी आता है हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है अपने। जी देखिए, हमने फोन नंबर डाल दिया था, उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। एड्रेस डालने के बाद हम लाइक एज एड्रेस डाल देते हैं, हमारे पास जो एड्रेस है यूनाइटेड का एड्रेस, कोई एनीवन मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, और आप ने वहीं डाल देना।
चेक करें। लेकिन ये आपके पास आगे इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी होगी आपने उसे वेरीफाई करना है। क्लिक करना है पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आपने वहां पे गिवन दिया होगा, वो डालने के बाद आपने इसे साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आप किसे वेरिफिकेशन करेगा, आपने वो वेरीफाई कर लेना है। वेरिफिकेशन के बाद देन हम आगे जाते हैं लाइक एज जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाए, स्किप नाउ कर दें इसे। देखिए अब आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी मेल वेरीफाई करनी है, मेल वेरिफिकेशन करने के बाद आपने फोन नंबर वेरीफाई करना है। देखिए मैंने ऑलरेडी फोन नंबर वेरीफाई किया हुआ है तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे मैंने मेल अभी वेरीफाई नहीं की। आपने भी मेल वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया हाउ टू क्रिएट अ बायर अकाउंट ऑन ईबे। अब आपका कोई भी इशू अबाउट ऑफ ई कॉमर्स की तरफ से हम आपको गाइड करेंगे, और हमारा ईबे फ्री कोर्स की एक प्ले लिस्ट तैयार हो रही है। इंशाल्लाह हम स्टेप बाई स्टेप सारी वीडियोज वहाँ पे अपलोड करेंगे और आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई भी इशू होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।